मैम आप एनिमल पिक्चर देख के आई हैं, कैसा लगा आपको एनिमल पिक्चर देख के? बहुत अच्छा लगा, क्या बुराई है मूवी में? ये दीदी रणवीर कपूर का सपोर्ट कर रही हैं, और ये दीदी सो वेलकम टू ऑल माय सब्सक्राइबर टू योर वॉइस जैद रशीदी चैनल। तो दो बहनें हैं जिसका नाम है अनभक, ठीक है। अब ये दोनों बहनें बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूज कर रही है, यकीन नहीं हो रहा ना, तो चलो मैं आपको आज यकीन दिला देता हूँ। तो उससे पहला, अगर आप इस चैनल में नए आए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लोगों को बताओ फ्री प्रमोशंस के बारे में। अगर आपके यूट्यूब चैनल कोई भी गलत चीज को प्रमोट नहीं किया है, मैं आपको फ्री में प्रमोट कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप लोग मुझे वहां जाके फॉलो कर देना, और प्रमोट कराना है तो डीएम कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं अनभक्तों की वीडियो। मैम आप एनिमल पिक्चर देख के आई हैं, कैसा लगा आपको एनिमल पिक्चर देख के? बहुत अच्छा लगा, क्या बुराई है मूवी में? ये दीदी रणवीर कपूर का सपोर्ट कर रही हैं, और ये दीदी रणवीर कपूर का बायकॉट कर रही हैं। यकीन नहीं आता? नहीं तो देख लीजिए। रणवीर कपूर अपने आप को हिंदू कहते, बात की मैं उनको हिंदू नहीं मानती हूँ। ये दीदी इसलिए बायकॉट कर रही है रणवीर कपूर का, क्योंकि वो बीफ खाता है, गाय खाता है, इसलिए बायकॉट कर रही है। लेकिन इन दीदी का मुझे समझ नहीं आता, वैसे इनको ना दिक्कत है बीफ खाने वालों से, गाय खाने वालों से, जो गाय को माता नहीं बोले, इन दीदी को दिक्कत है, लेकिन रणवीर कपूर को बायकॉट नहीं कर रही है। ये क्या बात करते हैं यार? ये बायकॉट करती हैं, लेकिन किसको करती हैं? आइए जरा देख लीजिए। बात करते हैं ना भाईचारा, हम इनका तब माने जब ये खुद आगे आके बोले कि अगर हिंदू गौ को माता मानता है ना, तो हम भी उस गाय को माँ ही मानेंगे। देखो यार, अगर कोई मुसलमान बीफ खा रहा है तो वो इनके हिसाब से गलत है, लेकिन अगर कोई नॉन मुस्लिम खा रहा है, यानी कि रणवीर कपूर खा रहा है, तो वो बिल्कुल गलत नहीं है। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं वाह दीदी, दीदी। देखो यार, मुझे भी नहीं पता था कि रणवीर कपूर बीफ खाता है, गाय खाता है, लेकिन हमको कहां से पता लगा? इन दीदी ने बताया था। कुछ भी आपको यकीन नहीं आ रहा है क्या? तो वीडियो दिखा देता हूँ आपको, ये दीदी खुद कहती हुई नजर आ जाएंगी आपको। रणवीर कपूर जिनके अब्बा जान ने बयान दिया था कि उनको बीफ खाना पसंद है, और अब उनके बेटे जान ने भी यही बयान दिया है कि उनको बीफ खाना पसंद है। हाँ मानते हैं, वो 10 साल पहले का है, लेकिन बयान तो है वो। बात तो सही है। इस बंदे को आपने कहीं ना कहीं तो जरूर देखा होगा, ये कोई भी मूवी आती है उसका बायकॉट करना शुरू कर देता है, चाहे उसमें गलत हो या नहीं हो, लेकिन इसको कोई मतलब नहीं है, इसको तो बायकॉट बायकॉट बायकॉट। लेकिन यार हद तो जब हो गई जब मैंने इसका एक वीडियो देखा, और वीडियो को देख के ना मैं एकदम चौंक गया कि यार ऐसे कैसे कर सकता है ये। अच्छा अब आप सोच रहे होगे ऐसा क्या कर दिया इसने, तो जरा वीडियो पे नजर आप भी डाल लीजिए। विरोधी प्रभात, उसको जूता मारूंगा सुअर को, क्या है वो प्रभात? जूता मारूंगा ऐसे कुत्तों को। तो जैसा कि आपने देखा, ये सालार मूवी को प्रभास की ये बायकॉट करने लग गया है। सालार में तो ऐसा कुछ लग भी ना रहा है, लेकिन इनको बायकॉट करना है। बात तो सही है। और भैया फिल्म इसकी यही नहीं रुकती है, जब मैंने इसका एक और वीडियो देखा तो भाई उसको तो देख के मैं डबल चौंक गया। तो जरा इस पे भी नजर डाल लीजिए आप। के आगे ना साउथ के आगे सल्लार के आगे प्रभास के आगे शाहरुख खान बौना है, बच्चा है, मुंह तो देगा, मुंह कह रहा हूँ हक देगा अगर उसके सामने खड़ा कर दोगे। प्रभास के एक्टिंग के हम लोग दीवाने यार। गांडू किसी एक का तो हो रहे भोसड़ी के। जब मैंने इसका ये वीडियो देखा ना तो मुझे बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही थी। पहले सालार का ये बायकॉट कर रहा था, अब ये सपोर्ट करने लगा, और यही सोच रहा था मैं मजाक है ये, मजाक है ये? नहीं। देखो यार आपको पता होगा शाहरुख खान कहीं ना कहीं इनका पुराना दुश्मन है, और कहीं ना कहीं बस ये यही सोचते हैं कि शाहरुख खान को कैसे भी करके नीचे लाना है। बात तो सही है। इसलिए भाई साहब ये सालार का सपोर्ट करने लगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और यार ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए था, और जो भी करता है अपने लिए सही करता है, जो जिसकी सोच होती है उसको वैसा करने दो। और अगर सो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, ये बंदा भी वही बोला है जो मैं बोलते हुए आया हूँ हमेशा से, कि ये लोग दोगले हैं सबसे पहले, और दूसरा इन लोग को आप सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए ही देखो, कि आप बहुत स्ट्रेस्ड हो, आप थके हुए हो, आपका मूड ऑफ है, डालो अनभक्त रोस्ट वीडियो, या ऐसा लिखो जैदू व्लॉग्स अनभक्त रोड रोस्ट वीडियोस, या जैदू व्लॉग्स लिखो, आपको एक से एक वीडियो मिल जाएगी। इन लोग के ऊपर एक ही नहीं बहुत वीडियो है। तो गाइस
आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां जाके और भी इन लोग की अनभक्त के ऊपर बहुत सी वीडियोस हैं इनके चैनल पे, तो आप लोग इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना लोगों को हंसने हंसाने के लिए, और इस चैनल को तो आपको लाइक और सब्सक्राइब करना ही है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।